क्लास है, मतलब नाउन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। कैसे जानेंगे कि नाउन प्रॉपर नाउन है, ये जानने के लिए हमको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, पर सिंपल रूल रेगुलेशन। अगर कोई कॉमन नाउन को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ये सोच लीजिए प्लस, ये तो प्लस है, ये तो हर के लिए है, हम उसे पर्टिकुलर नाम दे देंगे। क्या देंगे? संबलपुर, बरमपुर, बरगढ़। तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर सिटी हो गया, मतलब प्लेस का पर्टिकुलर नाम हो गया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे ये गर्ल है, उसको हम नाम देंगे लीनू, उसको नाम दे देंगे डोली, उसको नाम दे देंगे स्वीटी, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ये गर्ल थी कॉमन, जब वही कॉमन नाउन को हम एक प्रॉपर, मतलब एक पर्टिकुलर नाम दे दिए, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे बॉय, सोच लीजिए आर्थिक, आर्यन, गुड्डू, काना, ये क्या है? कॉमन नाउन तो बॉय है, जब मुझे पर्टिकुलर नाम दे दिए, ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो क्या मतलब निकल रहा है? जब भी हम कोई कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर नाम दे दे रहे हैं, वो हो जा रहा है प्रॉपर नाउन। और क्या बोल सकते हैं? नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लिख लीजिए ना, प्रॉपर नाउन, बिल्कुल सिंपल वे को जाना, इजिएस्ट वे को समझना, पहले समझने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में हमारा समझ ही हमको हेल्प करता है, रटना बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या बोलेंगे? When we give a particular name, when we give a particular name to a common noun, it will become भी बोल सकते हैं, become भी लिख सकते हैं, it becomes भी बोल सकते हैं, हो जाता है बोल सकते हैं। हाँ, when we give a particular name to a common noun, it will become, हाँ, इसमें will become भी लिख सकते हैं, हाँ, it will, हाँ, ये rules में समझा रहा है, इसलिए मैं it will become लिखा। हाँ, तो जब हम कोई कॉमन नाउन को पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, हो जाता है ये प्रॉपर नाउन। हाँ, तो व्हेन वी गिव ए पर्टिकुलर नेम टू ए कॉमन नाउन, इट विल बिकम ए प्रॉपर नाउन। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्रिटिकल नहीं, उसे और अच्छे से। हाँ, और एक बार ये भी है, और एक में लिख सकते हैं, दी नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, इतना ही है ना? बस, अगर कोई कॉमन नाउन को हम पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो क्या हुआ उसका मतलब? किसी का भी पर्टिकुलर नाम, कोई प्लेस हो, मतलब कोई जगह हो, वो सिटी हो सकता है, या किसी का, मैंने गर्ल्स का नाम हो जाए, बॉय का नाम, किसी का भी पर्टिकुलर नाम हो गया, तो ये प्रॉपर है, माने वो खुद के लिए है। कॉमन क्या है? वो हर के लिए है, वो एक से दूसरे के लिए है, और प्रॉपर वो खुद के लिए है, ये दिमाग में रखना है ना। देख लीजिए, व्हेन वी गिव ए पर्टिकुलर नेम टू ए कॉमन नाउन, इट विल बिकम ए प्रॉपर नाउन। फिर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, उसके बाद हम कॉमन और प्रॉपर को कंपेयर करते हैं। ये कॉमन था तो कैसा दिखता था, प्रॉपर हो तो कैसा दिखा, है ना? क्लियर? ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, टाइम के साथ लिख के, हमारा टाइम हो गया 4 मिनट्स, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, एक्सेप्शन रूल रहेगा, इंग्लिश है, एक्सेप्शन रूल रहेगा, लेकिन हम पहले जनरल रूल को जाएंगे, उसके बाद एक्सेप्शन रूल को भी दिखेंगे, है ना? हाँ, जैसे सोच लीजिए, यहां पे आ गया हमारा, हाँ दोनों दे देते हैं, पहले लिख देते हैं
कॉमन नाउन वहां पे बना देते हैं। कल हम कॉमन के बारे में पढ़े थे, हाँ प्रोपर नाउन का भी डिफिनेशन लिखे थे लेकिन डिस्कस नहीं कर पाए थे, आज दोनों का हो गया, लिख देते हैं। हाँ जैसे यहां पे है पहले लिख देते हैं बॉय गर्ल, हाँ उसके बाद लिख देते हैं हमारा एनिमल। हाँ ध्यान देना बॉय गर्ल माने एनिमल माने, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बॉय गर्ल एनिमल उसके बाद प्लेस, हाँ पर्टिकुलर ध्यान देना, हाँ बॉय गर्ल एनिमल प्लेस थिंग, इसका कुछ भी पर्टिकुलराइजेशन है आप बोलिए, हम इसको किसका मेरा है तुम्हारा है बोल सकते हैं, बॉय तो और का है, बॉय तो और का है, तो ये क्या हो गया कमान माने हर के लिए है एप्लीकेबल टू ऑल, बट प्रॉपर क्या है खुद का है। हाँ फिर दिखेंगे ये सिंगुलर से प्लुरल जैसे हो रहा है, प्रॉपर जो नाउन सिंगुलर से प्लुरल हो रहा है कि नहीं ये भी दिख रहा है हमको। हाँ क्या बोल रही है ये बॉय है, तो यहां हम लिख लेते हैं काना, हम लिख लेते हैं ध्यान दो काना हो गया, उसके बाद हम लिख लेते हैं आर्यन, हम लिख देते हैं आयन, हम लिख देते हैं आर्थिक, हाँ ये तो हो गया बॉय का नाम, गर्ल भी बुरा समझेंगे, हाँ क्या लिखेंगे डोली लीनू सस्मिता स्वीटी, समझ में आ रहा ना मित्र बिंद, ये हर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाँ सिटी का भी दे सकते हैं, हाँ यहाँ पे हो गया, हाँ सिटी का दे दे सो प्लस प्लस में क्या लिया संबलपुर बेरहमपुर ले तो ये है, हाँ और भी बोल सकते हैं सिटी बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं कैपिटल बोल सकते हैं, कैपिटल तो बहुत सारा है, हाँ इन्हें बहुत सारा कैपिटल है लेकिन हाँ भुवनेश्वर इज द कैपिटल ओडिशा, ये अलग हो गया ये समझेंगे आप, भुवनेश्वर कैपिटल रिलेशन बनेंगे तो जाके हम जान पाएंगे, हाँ क्लियर बॉय गर्ल एनिमल, एनिमल तो बहुत सारा है, हाँ बिल्कुल, हाँ भाई कुत्ता ले आए, कुत्ते तो बहुत सारे हैं, फिर हम उसको एक नाम दे दिए क्या शेरू मेरू टेरू, तो ये क्या हो गया प्रॉपर क्योंकि वो हमारा खुद का है, फिर शेरू फिर और मैंने सोच लिया हमारे मोहल्ले में और भी चार पांच लोग कुत्ता ले आए, फिर वो भी उनका नाम दे दिए शेरू, तो क्या हुआ फिर तो ये शेरू तो मिल गए, हाँ तो जो अकेला था जो मैंने उसका जैसे औकात बोल रहा था वो तो फिर चला गया, चार पांच जो शेरू हो गए तो इसे क्या बोलेंगे, ये समझ में आ रहा है, ये तो ठीक है डग बहुत सारा है मान लिए लेकिन डग को हम दे दिए शेरू, हाँ तो वो प्रॉपर था, फिर उसको फिर हम ज्यादा फिर ना दे दिए, वो भी शेरू दे दिया, वो लोग भी शेरू दे दिए, मैं भी शेरू दे दिया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, हाँ तो ये शेरू फिर हो गया प्लूरल, तो ये शेरू प्लूरल हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो हम उसे माना प्रॉपर नाउन बोलेंगे कॉमन नाउन बोलेंगे, बहुत सारा रिलेशन रहेगा ध्यान रहे छोटा छोटा चीज, हाँ माना हमको कॉम्पिटेटिव पॉइंट को दिखना है एग्जाम्पल को दिखना है, ये तो क्लियर हो गया, हाँ माने जैसे बॉय संस्कार प्लस सिटी डिस्ट्रिक्ट, समझ में आ रहा है, ये तो जरूरत नहीं होगा मिटाते हैं रूल्स को जाते हैं, हाँ ठीक अच्छा ठीक है, बोले नाम भी दे देते जैसे सोच लिए यहाँ पे हम दे दिए सिटी, हाँ यहाँ पे दे दिए डिस्ट्रिक्ट, हाँ ध्यान देना जो सिटी है डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है कैपिटल भी हो सकता है ना, हाँ माने कभी हर जगह नहीं कोई कोई जगह ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट हो कैपिटल भी हो जाए कोई कोई केसेस में, हाँ तो सिटी डिस्ट्रिक्ट हाँ कैपिटल, समझ में आ रहा है इधर प्रॉब्लम नहीं है, बस तो सिटी लिख देते हैं हम संबलपुर नहीं है, ये क्या है डिस्ट्रिक्ट क्या है संबलपुर, कैपिटल तो संबलपुर नहीं है ना, हम बना देंगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कैसे बनाएंगे, हाँ बिल्कुल तो हमारा कैपिटल सोच लिया भुवनेश्वर है ना कि नहीं, तो ये क्या है, हाँ ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है माने ये प्रॉपर नाउन है संबलपुर, हाँ और भी एक संबलपुर आएगा तो क्या होगा
वो है लेकिन उसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके हिसाब से वो है, लेकिन हम जिसको संबलपुर बोल रहे हैं वो हो ही नहीं सकता, वो जो बोल रहे हैं वही एक है। हर बात ध्यान देना, ये भुवनेश्वर जो बोल रहे हैं और दूसरे में भुवनेश्वर होगा होगा, लेकिन ये भुवनेश्वर हो नहीं सकता क्योंकि जिसके बारे में बोल रहे हैं ये खुद है, वो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शन दिखेंगे ये भी, अगर एक्सेप्शन होगा तो जरूर डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन जनरली कैटेगरी में है प्रॉपर वही है जो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता, प्रॉपर वही है जो कभी आर्टिकल ले ही नहीं सकता, लेकिन इंग्लिश है कभी कभी एक्सेप्शन आ सकता है, ये भी दिखना है ना। तो यहां तो क्लियर, तो ये जो है अकेला है, ये प्लूरल हो ही नहीं सकता जनरल केस में। 99 केसेस में कभी कभी एक केस में एक्सेप्शन निकल भी जाएगा, इसको भी हमको देखना पड़ेगा ना। तो ये तो पूरा कॉमन है सिटी, वो तो कॉमन है हर के लिए है, हमको इसके बारे में बात करना, वो तो हम जान चुके हैं कॉमन और प्रॉपर, समझ में आ रहा है कॉमन प्रॉपर क्लियर। अब हम चले जाते हैं रूल को, जैसे हम बोलते हैं कुछ रूल्स हाँ, कि अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में रहेगा ही रहेगा, ये सेंटेंस में कहीं भी रहे, आगे पीछे बीच में जहां भी रहे कैपिटल होना ही होना है, अगर नहीं दिख रहे तो आप गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, वी आर गेटिंग रॉन्ग इफ यू यूज स्मॉल लेटर विद कैपिटल विद प्रॉपर नाउन। अगर हम स्मॉल लेटर लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन के साथ, हम गलत कर रहे हैं, वी गेट रॉन्ग, वी आर गेटिंग रॉन्ग। डिड यू गेट माय पॉइंट? ध्यान दीजिए, इतना तो क्लियर। अब हम चले जाएंगे रूल्स को, पहले लिख लीजिए ना, मैं वही एग्जाम्पल दिया हूं, आप भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आराम से ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो है गाल वो तो बहुत दे चुके हैं, आप भी दे सकते हैं। जैसे आप यहां पे लिख लीजिए ना, यूनिवर्सिटी, स्कूल, समझ में आ रहा ना, लिख सकते हैं आराम से हाँ। क्या है यूनिवर्सिटी हम लिख लेंगे हाँ, ज्योति विहार, ज्योति विहार यूनिवर्सिटी क्या हो गया, संबलपुर में ज्योति विहार यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर हो गया नहीं, और भी ज्योति विहार होगा तो क्या होगा, वो हमारे साथ आ ही नहीं सकता, वो अलग है, नाम उसका कुछ भी हो लेकिन ये हमारे पास आ ही नहीं सकता, लेकिन प्रॉपर राउंड एक, प्रॉपर राउंड एक हाँ, आप कहां से प्रॉपर है बिल्कुल हाँ वही जानना है हमको। स्कूल क्या हो गया हाँ, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, बहुत सारा है सेंट जोसेफ तो और भी बहुत सारे लोग दे देंगे नाम, लेकिन हम जहां पे पढ़े हैं, हम जहां पे पढ़ते हैं वही एक है, ये अलग हो ही नहीं सकता, दैट्स इट, ये क्लियर करना है, समझ में आ रहा है। प्रॉपर नाउन है, वो अकेला है, उसका ओकस खुद अलग है हाँ, हमारे जैसे दूसरा कोई नाम रख सकता है लेकिन वो हमारे से हो ही नहीं सकता क्योंकि हम प्रॉपर है, हम अकेला ही रहे हैं, हमारा खुद का वजूद है, हमारा खुद का वजूद है, अगर हम इसे हो गए तो कमन हो जाएंगे हम, तो प्रॉपर काम हुए यार, समझ में आ रहा है। तो हमारा जैसा नाम हो सकता है लेकिन हम जो है वो हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता, प्रॉपर नाउन सिंगुलर ही है, जहां भी रहेगा अकेला, खुद ही सब कुछ करेगा, समझ में आ रहा है। कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखेंगे, पहले लिख लीजिए आप हाँ बिल्कुल, आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आराम से ना। ठीक, ओके, अब हम कुछ रूल समझते हैं, ये जो रूल लिखेंगे जरा ध्यान देखिए, भूलना मत क्योंकि यहां पे एक्सेप्शन भी निकलेगा ये ध्यान देना हाँ, टाइम के साथ भी जाना है हमको हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर, है ना, कहां से शुरू होगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, है ना, ये सेंटेंस कहीं भी रहे, जैसे
दैट मस्ट नॉट बी ए दैट मस्ट नॉट बी ए मैटर वेदर द प्रॉपर नाउन द प्रॉपर नाउन इज वेदर इन द बिगिनिंग और एट द एंड एंड वी विल यूज कैपिटल लेटर विथ बिगिनिंग इवन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस. समझ में आया? पढ़ देते हैं ना? क्या बोल रहे हैं वो? प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर. मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉपर जो लिखेंगे सब कैपिटल लिख लेना, कैपिटल लेटर सब लिख लेना नहीं बोल रहा हूं. प्रॉपर के स्टार्टिंग जो रहेगा ये कैपिटल होगा. जैसे हम लिख दिए आर्यन, ये कैपिटल होना ही होना है, वो कहीं भी रह जाए. वो सेंटेंस के आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, कोई मतलब नहीं है. लेकिन जब भी रहेगा कैपिटल रहेगा, नहीं तो कमान. बिल्कुल. फिर आपको अगर आर्यन को कमन करेंगे तो गलत होगा. कभी सही होगा कि कभी गलत, वो भी दिखना पड़ेगा हमको. ध्यान तो देना है, छोटा छोटा चीज. हाँ, क्या बोल रहे हो? जही भी, हाँ, अगर कोई सेंटेंस है व्हाटएवर द कब व्हाट, कहीं भी सेंटेंस के कोई भी जगह में अगर हम प्रॉपर में यूज करते हैं तो कैपिटल होना ही होना है. वी आर टू बी विथ कैपिटल. हम कैपिटल, हम प्रॉपर है, हम कैपिटल होंगे ही होंगे कहीं भी रहेगा. बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्लियर? बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस करे या वही सेंटेंस जहां पे बिगिनिंग भी हो सकता है, एंडिंग भी हो सकता है, बीच में भी आ सकता है. मैं इधर कंफ्यूज नहीं रहा, जहां भी रहेगा प्रॉपर रहेगा, रूल्स वही, क्लियर? ये प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स. That must not be a matter whether the proper noun is whether in the ending, whether in the beginning, at the end, even in the between. वो between में भी होगा तो भी capital letter रहेगा. पर starting जो letter लिखे first letter जो रहेगा ये capital रहेगा. फिर नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा जो proper है सब capital होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. जो उसका first letter है वही capital होगा. Clear? लिख लीजिए, proper noun always begins with capital letter. Begin मतलब starting letter को बोल रहा है ना, सब थोड़े ना है. हाँ, that must not be a matter whether the proper noun is whether in the beginning or at the end, and we will use capital letter with beginning even between of the sentence. हाँ, हम sentence के between में भी अगर लग जाए तो अब भी हम proper noun में first letter capital ही use करेंगे. Okay? Doubt है? देख लीजिए. हाँ, मैं एक way में लिखा हूँ, आप उससे अलग way में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका sense जो रहेगा प्रॉपर नाउन मस्ट बी यूज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. खत्म. फिर हाँ, ये कभी भी प्लूरल हो नहीं सकता, ध्यान देना. वो कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता, वो तो खुद अकेला है ना, वो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता. क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर noun cannot be made plural it is always singular. वो खुद का है, बज्जुद उसका एक है. प्रोपर नाउन कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता, सिंगुलर. क्लियर? ये सेकंड पॉइंट हो गया. फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? कैपिटल लेटर होगा. सेकंड पॉइंट हो गया, वो कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता, वो सिंगुलर ही है. हाँ, फिर थर्ड क्या बोल रहा है? ये कभी भी आर्टिकल नहीं ले सकता, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है, ध्यान देना ये. हाँ, क्या बोलेंगे? फिर भी रूल्स के हिसाब से लिखते हैं, फिर उसको हम यूज करेंगे.
प्रॉपर नाउन नेवर टेक्स आर्टिकल ए एन द। लेकिन ये रूल के लिए एक्सेप्शनल्स हमारे पास आएगा, ये ध्यान देना। ये जैसे पूरा माना 99.5% क्लियर है, लेकिन यहां आपको एक्सेप्शन मिलेगा आर्टिकल को लेकर, ये समझना पड़ेगा। हाँ, जो मैं बोल दिया प्लूरल और सिंगुलर, यहां भी दिखेंगे ये क्या है। हाँ, माने दिखते हैं। जैसे सोच लीजिए हमारे स्टूडेंट है लेनू, तो यहाँ भी और चार पांच स्टूडेंट भी लेनू आ गए, तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम अटेंडेंस निकालेंगे लेनू वाले सब उठेंगे ना, कैसे जानेंगे किसको सर बुला रहे हैं? तो ये क्या हो गया? हाँ, ये जानना है हमको। तो हम किसको स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो अगर हमारे पास 5 लीनू, 5 सस्मिता, 5 आर्यन, 5 काना आ गए, 10 भी आ सकते हैं, तो वो प्लूरल है, ये तो प्लूरल है। 5 तो सिंगुलर नहीं बोल सकते ना, ये सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर नहीं बोलेंगे ना। लेकिन हम काना बोल रहे हैं ना, काना आर्यन लीनू सस्मिता गोल्डी सब बोल रहे हैं। हाँ, डोली बोल रहे हैं, तो जब मैं डोली बोलूंगा सब उठेंगे ना, सर पजन सर मनिंग सर, तो जानेंगे कैसे मैं किसको बुला रहा हूँ? ये हमको समझना है। ओके, एनीवे फिर जानेंगे अगर 5 लीनू आ गए तो प्रॉपर नाउन है कि ये कॉमन नाउन है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो मैं सेंटेंस कैसे रहेगा ये जानना है, टाइम किसे बाद आपके। हाँ, बिठा दे। अब हम वही रूल को कवर करते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, जैसे सोच लीजिए वही क्वेश्चन को लिखते हैं। हाँ, दे आर, मैं दो दिन को क्वेश्चन दे रहा हूं, दे आर ईच 5 लीनू इन आवर क्लास। ये क्वेश्चन से ध्यान देना अच्छे से। हाँ, ये अगर नहीं समझेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना। उसके बाद हुआ दे आर आर 5 लिनुस इन आवर क्लास 3 दे आर 5। देखिए ये प्रॉपर है ना, लिख रहा हूं कैपिटल। हाँ, दिखते फिर दिखते हैं 4-5 होने के बाद वो प्रॉपर है क्या क्या है। हाँ, there are 5 लिनूस इन आवर क्लास, ये तीनों आ गए, तो यहां पे हमको सही कौन सी है वही ढूंढना है। क्या है? बिल्कुल, ये एक मार्कर है। हाँ, ये मार्कर है, कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन है, ये तो बहुत सारे मार्कर मिलेंगे, लेकिन ये जो मार्कर मैं पकड़ा हूं एक है ना, ये जाएंगे नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होगा आपको, एक को जाते हैं पहले। हाँ, तो देयर इज 5 लीनू इन आवर क्लास, हमारे क्लास में 5 लीनू है, 5 लीनू, तो यह 5 लीनू है, क्लियर, नो डाउट। 5 है, मतलब सिंगुलर बोल नहीं सकते ना, प्लूरल है, तो यहां पे इसका कोई भाग नहीं है ना, तो ये गया खत्म, ये सेंटेंस एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ग्रामर के हिसाब से गलत है, और अगर वैसे बोलेंगे भी तो गलत है। ये तो 5 बोल रहे हैं, सब इस कैसे लगा रहे हैं आप, ये किस तरह का पढ़ाई है? फास्ट, तो ये गया, ये पटरी से बाहर। हाँ, फिर हम जाते हैं देयर आर 5 लीनूस इन आवर क्लास, यहाँ पे दिखते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ है लीनूस। हाँ, इसका मतलब क्या है ये पढ़ेंगे जब हम केस को जाएंगे, नाउन केस बोल करेंगे पढ़ाई। जैसे बोलते हैं लीनूस बुक, बुक ऑफ लीनू, दिखते हैं क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, लिनू, हाँ जब लिनुस एपोसम का मतलब क्या है? उसका लिनुस होम, लिनुस कोचिन, लिनुस मोबाइल, ये क्या है? उसका। लेकिन यहाँ पे उसका पुस्का तो कुछ है नहीं, हम तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछे हमारे पास 5 लिनू है, हमारे क्लास में, हमारे कोचिन में, हमारे कॉलेज में 5 लिनू है, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? अगर प्लूरल है तो ये कौन सी नाउन है, सिंगुलर है तो कौन सी नाउन है?
ये जान रहा है। हाँ, नो डाउट, ये अगर प्लूरल फाइव दे दिया ना तो ये तो प्लूरल होना ही होना है। ये फाइव है तो प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना तक ठीक है ना, यहां से ठीक है, लेकिन ये तो भी हो ही नहीं सकता, गलत हो गया, क्योंकि ये तो बता रहा है पोसेशन को, ओनरशिप को। यहाँ पे हम थोड़े ना बोल रहे हमारे लीनू के पास ये है, हमारे लीनू के पास ये, हम तो बोल नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारे पास मास्टर लीनू है। ये क्या बोला, देयर आर फाइव लीनू इन आवर क्लास, ये क्या है। हाँ, यहाँ पे तो पूरा एग्जैक्ट ग्रामर को पूरा टिप के रखा है, क्या बोला है, देयर आर फाइव लीनू इन आवर क्लास, हमारे क्लास में पांच तो लीनू है, ये सही बता रहा है, क्लियर। तो ये पूरा ठीक, अब क्वेश्चन आ रहा है, ये तो हो गया प्लूरल, फिर हम पहले पढ़े हैं लीनू एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, लेकिन ये भी बोल रहा हूं मैं, एक लीनू, दो लीनू, तीन लीनू, ये तो हर एक नहीं है ना, अलग अलग है, उनके मम्मी पापा अलग है, उनके मम्मी पापा अलग है, कि हर के मम्मी पापा अलग है, ये एक है। हाँ ठीक है, एक है तो उनका हर को तो नाम एक नहीं दे सकते ना, अब इतना अंदर तो जाएंगे तो हर कंफ्यूजन रहेगा, इजी वे में समझते हैं। हाँ, हर बात ध्यान देना, प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता, प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता, लेकिन ये प्लूरल हुआ तो ये प्रॉपर नाउन दिख रहा है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो बढ़ गया तो ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि प्रॉपर नाउन खुद होता है, हाँ, अकेला होता है, तो ये क्या है, ये लीनू क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि यहां पे पांच को बता रहा है, एक को नहीं बता रहा है। डिड यू गेट माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सर बात ध्यान देना, ये तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, जब हम प्रॉपर नाउन को बढ़ा देंगे तो ये तो कॉमन हो गया, उसका तो उसका चला गया, वो खुद कहां रहा, अकेला नहीं रहा ना, तो क्या बोलेंगे उसे, ये लीनू जो है, लीनू दिखते हुए प्रॉपर दिखने के बाद भी ये कॉमन नाउन ही है।